समय न ठहरता है न कभी मुड़कर देखता है, बस रेत की तरह फिसलता हुआ अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाता है। कुछ बदल जाता है, कुछ कभी नहीं बदलता। हम बात कर रहे हैं गुजरात के गौरवशील सोमनाथ मंदिर की, जिसका निर्माण स्वयं चंद्रमा ने किया था। गंग जटा जूटे वक्र चंद्र भाले, जयति जयति हे पिनाक हस्ते, जयति चराचर व्याप्त समस्ते। चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, लेकिन चंद्रमा उनमें से रोहिणी को ज्यादा चाहने लगा था। राजा दक्ष को अपनी बाकी पुत्रियों का ये दुख सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। चंद्रमा ने प्रभास पाटन की इसी पावन भूमि पर भगवान शिव की घोर तपस्या की, फिर भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। लेकिन रोहिणी के आत्मदाह के हठ योग से विचलित होकर आखिरकार भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। देंगे हम आशीष तुझे रख दक्ष वचन का मान, 15 दिन तू श्राप जिएगा 15 दिन वरदान। तथास्तु। अति सुंदर। इस स्वर्णिम अवसर पर भगवान शिव के महान उपासक और सोमनाथ मंदिर के प्रमुख प्रभु श्री गंग सर्वज्ञ का आशीर्वाद अगर हमें मिल जाए तो इस नाटक के सभी कलाकार स्वयं को धन्य समझेंगे। ये आचार्य गंग सर्वज्ञ हैं, निर्मल निश्चल निर्दोष भयहीन आंखें, दसों विद्याओं के ज्ञानी, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता, पूरे विश्व से आए असंख्य शिष्यों के गुरु, सर्वज्ञ प्रभु के नाम से विख्यात हैं। अरे धूर्त, ये क्या कर रहा था? प्रभु गंग सर्वज्ञ के चरण स्पर्श करने का दुस्साहस तो हमारे सम्राट भी नहीं कर सकते, और तू? अद्भुत, इस छोटी सी आयु में इतना सुंदर अभिनय। एक पल के लिए मैं भूल ही गया कि मैं कोई नृत्य नाटिका देख रहा हूँ। ऐसा आभास हो रहा था जैसे बाल रूप में स्वयं भगवान सोमनाथ प्रकट हो गए हों। हे भगवान, क्या हमारी शक्ल भगवान सोमनाथ से मिलती है? पर हमने तो आज तक कभी सोमनाथ भगवान को नहीं देखा। हम तुम्हें भगवान सोमनाथ के दर्शन अवश्य कराएंगे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जिस स्थान पर भगवान शिव सोम अर्थात चंद्रमा को वरदान देने के लिए प्रकट हुए थे, उसी स्थान पर चंद्रमा ने चंद्रलोक से शिल्पी बुलाकर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। सारे संसार में मनुष्य ने समूह में किसी देवता की सबसे पहली पूजा भगवान सोमनाथ की ही की थी। इसी कारण इसे भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
अनर्थ, सर्वज्ञ प्रभु अनर्थ। इस दुस्साहसी कन्या को देखिए, उधर शिवलिंग के निषेध क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। रोकिए प्रभु, उसे रोकिए। ये मैं क्या देख रहा हूं, भूत या भविष्य? वो आएगा काले बवंडर की तरह, भयानक तूफान के समान। यदि यही भविष्य है तो इस विकराल आंधी को कौन रोकेगा? संभ्रम भ्रमन मिलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी स्मरक्षितं पुरक्षितं भवक्षितं न कक्षितं गजक्षितं कक्षितं तमन्त कक्षितं भजे थिमिथिमिथिमिथिमि मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा ये नहीं होने देंगे। हमें इस बच्ची की रक्षा करनी होगी, बचाना होगा इसे। परिसर में ही भविष्य की दूसरी झलक ने आचार्य गंग सर्वज्ञ को पूरी तरह समझा दिया कि इस कन्या के त्याग और बलिदान का माध्यम एक नवजात बच्ची बनेगी। अनर्थ, अनर्थ सर्वज्ञ प्रभु, रोकिए, रोकिए इसे। मत रोको उसे। लेकिन प्रभु, देव, जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो। संकट के समय यही विलक्षण कन्या पूरे सौराष्ट्र की रक्षा करके दिखाई दी मुझे। केवल सौराष्ट्र की ही नहीं, पूरे भारत माँ की रक्षक है, उद्धारक है, स्वेच्छा से यहाँ आई। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? सत्य कह रहा हूँ वामदेव। भविष्य अभी अभी मेरी दृष्टि के सामने से कौंधता हुआ गुजरा है। एक विशाल निशंस राक्षस भारत माता की छाती को रौंदता हुआ विशाल दानव बल की तरह चला आ रहा है। उसके क्रूर प्रहार से न भारत का गौरव बचेगा, न गुजरात की अस्मिता। सोमनाद भी ध्वंस, परंतु ये कन्या। धन्य हो प्रभु,
आज जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव के रूप में आई यह कन्या भगवान शिव से ही शक्ति पाकर भारत के गौरव और गुजरात की अस्मिता की रक्षा करती दिखाई देगी। ये कब होगा प्रभु? जब इसके जीवन में इसकी छोटी बहन इसके भविष्य का माध्यम बनकर आएगी, तब यही कन्या अपने तेज और सूझबूझ से सोमनाथ मंदिर और गुजरात को उस भयानक राक्षस की क्रूर छाया से बचाएगी। परमवीर सोलंकी कुल के गौरव राज दरबार में पधार रही है। सम्राट बल्लभ देव संपूर्ण स्वराष्ट्र के रक्षक, आसपास के प्रांतों के राजा और महाराजा इनके अधीन। भगवान सोमनाथ में असीम श्रद्धा। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। भरूच के राजा दद्दा चौलुक्य हमारी शोभना के काकाश्री। भरूच के राजा तलवार के धनी इस वीर योद्धा को सम्राट वल्लभ देव ने गुर्जर गौरव की उपाधि से अलंकृत किया है। आदरणीय सम्राट, भृगुकाक्षा के प्रजाजनों और राज परिवार ने मिलकर भृगुकाक्षा के संस्थापक महर्षि भृगु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। सुंदर, अति सुंदर। सम्राट, आगामी पूर्णिमा के दिन महर्षि भृगु के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान है। भरूचवासियों के अतिरिक्त हमारा भी अनुरोध कि शुभ अवसर पर सम्राट सम्राज्ञी सहित भरूच पधारें और अपने कर कमलों से महर्षि भृगु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। हम अवश्य साम्राज्ञी विजय लक्ष्मी के साथ इस शुभ अवसर पर उपस्थित होंगे। और राजकुमार भीमदेव, लक्ष्य क्या भेदोगे? कितना सिखाया था हमारे धनुर्धर राजकुमार भीमदेव ने, परंतु ए दूजड्डी, तू तो ऐसे बैठे बैठे अपनी पेट की शक्ल से रहे पेटू, तनुष चलाना तो धनुर्धर का काम है। देखो राजेंद्र, दूजड्डी को क्रोध मत दिलाओ, यहीं से बैठे बैठे लक्ष्य की आग भेद सकता हूँ। लो देखो, ऐसा लक्ष्य तो सिर्फ हमारे कुमार भीमदेव ही साध सकते हैं।
अपना साथ सकते हैं। पर ये तो असंभव है। असंभव? हे भगवान, कोई पक्षी भी नहीं है आकाश में, वरना अभी दिखाते तुम्हें। पक्षी नहीं है तो क्या हुआ, हम आपके भरोसे का अवश्य सम्मान रखते हैं। सेवक, लक्ष्य को तीव्र गति से घुमाओ। यहीं कहीं खेल रहे होंगे कुमार। राजकुमार भीमदेव, सम्राट वल्लभ देव और सम्राज्ञी विजय लक्ष्मी के पुत्र। ये कुमार भीमदेव ने लक्ष्य भेज दिया। अद्भुत, अद्वितीय। इस छोटी सी आयु में ऐसी एकाग्रता विरल ही देखने को मिलती है। बड़े बड़े धनुधर के लिए भी कोई साधारण बात नहीं है। कुमार भीमदेव में एक महान योद्धा बनने के लक्षण अभी से दिखाई दे रहे हैं। कुमार, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भाव, विजयी भाव, कीर्तिमान भाव, प्रसिद्धि आपके चरण छुए। हमने आपको बहुत याद किया काकाश्री, भरूच से कब पधारे? आज ही आया हूँ, और आते ही आपके लक्ष्य भेदन साधना का अविस्मरणीय दृश्य देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। हम तो अभी सीख रहे हैं काकाश्री। ये आपकी महानता है कुमार, हम भरूच से आपके लिए विशेष भेंट भी लाएं। चलिए देखें। ये लीजिए कुमार, आपके लिए। क्या, सिंगदाने का पाक? ये लीजिए। ये तो हमें बहुत पसंद है। क्या भरूच में सिंगदान के साथ पाक भी मिलता है? हमारे भरूच में आप सबकी रुचि के हर पकवान उपलब्ध रहेंगे। हम भरूच कब जाएंगे? अगली पूर्णिमा को। सम्राट और सम्राज्ञी ने भी हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। क्या आपके भरूच में अभ्यास स्थल भी है? अवश्य, और उसके साथ आपको आपकी ही आयु का एक मित्र भी मिलेगा। क्या वो भी धनुष बाण और तलवार चलाना जानता है? उसमें तो वो अधिक पारंगत नहीं है, वास्तव में वो कन्या है। कन्या? जी हाँ, वो शस्त्र कौशल से अधिक महत्व बुद्धि कौशल को देती है। वो बहुत बुद्धिमान है। हम स्वयं से अधिक बुद्धिमान कन्या से अवश्य मिलने जाएंगे। उनका नाम क्या है काकाश्री? हम प्यार से चागली कहते हैं, परंतु उसका नाम है शोभना।
हैं भरूच की महारानी गायत्री, हमारी शोभना की चहेती रानी बा। महारानी गायत्री की, महारानी गायत्री की। हर पल प्रजा के दुख दर्द को बांटने के लिए आतुर शोभना इन्हें अपना आदर्श मानती है और इनके पद चिन्हों पर चलने की सदैव कोशिश करती है। महारानी गायत्री की, महारानी गायत्री की, महारानी गायत्री की, महारानी गायत्री की। महारानी जी, महारानी जी, मैंने पंखा ही आपको महारानी जी, दो दिन से घर में चूल्हा नहीं जला महारानी जी, मेरे बच्चे दो दिन से भूख से बिलक रहे हैं महारानी, 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 महारानी मैंने पंखा ही आपको महारानी। मातृभूमि की प्रेम दीवानी, मातृभूमि की प्रेम दीवानी, मातृभूमि की प्रेम दीवानी, 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 मातृभूमि की प्रेम दीवानी, मातृभूमि की प्रेम दीवानी, मातृभूमि की प्रेम दीवानी, दीवानी, दीवानी। हमारी रानी बा कहती है, आंसू तो कायर बहाते हैं, जो अपने भाग्य को कोसता है उसका भाग्य उसी से रूठ जाता है। मैं भिखारिन नहीं हूँ बेटी, लेकिन मेरा बेटा प्राणलाल बहुत दिनों से घर लौट कर नहीं आया, इसलिए उसके बच्चों का पेट भरने के इन्हें ले लो, इन्हें बेचकर अपने बच्चों को खाना खिला देना। भगवान आपको संसार की सारी खुशियाँ दे। हृदय इतना पावन जैसे कि प्रेम शिवाला हो, प्रेम भी ऐसा जैसे कोई अटल हिमाला हो। भरूच की राजकुमारी शोभना को हर कोई चाहता है। भरूच के इस महल की ये चहेती शोभना क्या है इसके भाग्य में, कोई नहीं जानता। आयुष्यमती भव। अरे बेटी कहाँ जा रही हो? बापूजी के पास। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, सब लोग भाग जाओ। ए रुक जा, दूर थाई जाओ, मारी आंखों थी। ये है किरीट, भरूच के राजा दद्दा चौलुक्य के बड़े भाई और शोभना के पिता। तो ये सब तुम्हारा किया था रहा है नीलकंठ, हो सर्प डाले बैठे हो, इसलिए तुम्हें तो कोई नहीं डसेगा, लेकिन एक एक पल, एक एक पल किरीट को डस रहा है। अपंग बना के छोड़ दिया किरीट को, न राज चलाने के योग्य और न रण में योद्धा होने के योग्य। राज सिंहासन का भूखा नहीं है किरीट, अरे वो तो दे दिया अपने अपने छोटे भाई। लो दर्पण लगा दिया,
जानबूझकर लगाया ये दर्पण कि किरेट देख, तू एक अपाहिज है, अपंग है, कोई पूछने वाला नहीं है तुझे, रानी भी है तो नाम की, और पुत्री पुत्री है तो लो आ गई अब भागिन। डांडिया खेलना चाहती है? आ। खेल डांडिया मेरे सर पे। अपनी माँ को तो खा गई। अब मुझे खा जा मुझे। शुभ चेता।